हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए माइक्रोटेक डेढ़ टन एसी स्टेबलाइजर लाए हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम है कि इसे आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है, और इसके मल्टीमीटर की मदद से हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, मीटर में 250 एसी लगाए हुए हैं। इसके बाद मैं आउटपुट मेन सप्लाई में देख रहे हैं तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे सही होगा, लास्ट वीडियो आप जरूर देखें। माय चैनल न्यू इलेक्ट्रिक ज्ञान गंगा, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसका मॉडल दिखाते हैं। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, मॉडल है EM4150+। ये डेढ़ टन एसी के लिए स्टेबलाइजर है। आइए इसको हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको 5 स्क्रू ऊपर तरफ और 5 स्क्रू नीचे की तरफ इसमें दिया रहता है। तो आप इसका स्क्रू खोल लीजिएगा। ये मेरा स्क्रू ओपन हो चुका है। अब इसका कवर निकालते हैं। तो ये देखिए, मेरा ऊपर का कवर निकल चुका है। अब इसका ये डिस्प्ले निकाल रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर से देखते हैं कहीं से लूजिंग वूजिंग तो नहीं है, लेकिन ऊपर देखने पे कुछ भी लूजिंग नहीं दिख रहा है। तो आइए हम इसका पीसीबी ओपन करते हैं। पीसीबी को ओपन करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू लगा हुआ है, 2 नीचे 2 ऊपर साइड में, आप देख ही रहे हैं। ये मेरा चारों स्क्रू ओपन हो चुका है। आइए हम पीसीबी को बाहर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा पीसीबी बाहर हो चुका है। अब इसका हम ध्यान से देखते हैं कहीं से लूजिंग वूजिंग तो नहीं है। इसका सबसे पहले हम डिस्प्ले लगाते हैं ताकि हमें आपको दिखाने में आसानी रहे कि इसमें मेरा स्टेबलाइजर ऑन है कि नहीं है, तो मेरा कोई वीडियो फेक नहीं है। यहाँ पे मेरा डिस्प्ले लग चुका है। इसका हम प्लग लगा के दिखाते हैं। ये मेरा स्टेबलाइजर ऑन हो चुका है। अब ये सेकंड चल रहा है, 10 सेकंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। ये मेरा इनपुट दिख रहा है 210 वोल्ट का। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर की मदद से आपको चेक करके बताते हैं इसमें कहाँ से प्रॉब्लम है। ये आपका थर्ड रिले और ये आपका फर्स्ट रिले है। इधर फर्स्ट है, और मेरा इसका अर्थ जो है रेड वायर है। यहाँ पे हम थर्ड रिले में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरा आउटपुट नहीं दिख रहा है। सेकंड रिले में मेरा दिख रहा है वोल्टेज। आइए हम इसका रिले चेक करते हैं। तो रिले चेक करने के लिए आपको वोल्टेज पे नापना होगा कि ये 12 वोल्ट 18 वोल्ट देता है कि नहीं। ये देखिए, इसमें मेरा आ रहा है फर्स्ट रिले में, सेकंड में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सेकंड कब कब करेगा, जब आपका लाइट स्लो रहे या फर्स्ट रहे तो काम करता है। यहाँ थर्ड रिले देख रहे हैं, मेरा वोल्ट काम कर रहा है और यहाँ पर आउटपुट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे रिले में ही थोड़ा सा देख रहे हैं लूजिंग हो गया है।
मतलब डिसोल्ड हो चुका है, इसको हम सोल्ड करते हैं। हम आपको करीब करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये लूजिंग हो चुका है, इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि जब वोल्टेज 18 वोल्ट का ये पाएगा तभी ये रिले वर्क करता है। यहाँ पे हमें सोल्ड करना है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहता है लूजिंग का ही। तो आप इसका हर जगह लूजिंग चेक करके इसको आप सोल्ड कर दीजिएगा। कहीं से भी आपको कुछ भी लूजिंग प्रॉब्लम दिखे तो आप इसको सोल्डर की मदद से आप इसका सोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि 1.5 टन एसी में ये ज़्यादातर रिले पे ही लोड पड़ता है, तो ज़्यादा हीटिंग की वजह से ये रिसोल्ड हो जाता है। इसको सोल्ड कर देंगे तो ये मेरा वर्क करने लगेगा। तो मुझे जहाँ जहाँ थोड़ा सा भी कहीं दिख रहा है जिसको हम पूरा सोल्डिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे मेरा सोल्डिंग लगभग लगभग हो चुका है, कहीं पे मुझे लूजिंग नहीं दे रहा है। इसके बाद हम फिर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले लगाए हैं, ये मेरा स्टेबलाइजर अब ऑन हो चुका है। ये 10 सेकंड के बाद ही ऑन होता है इसका सिस्टम। तो इसका हम थर्ड रिले में इसका आउटपुट रिले में देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज दे रहा है। फिर भी हम आपको एक बार बंद करके फिर चेक करते हैं आउटपुट सप्लाई में। यहाँ पे भी देखिए सेकंड चल रहा है, जब ये मेरा ऑन हो जाएगा वो भी ऑन हो जाता है। ये देखिए मेरा स्टेबलाइजर आउटपुट सप्लाई देने लगा। तो ऐसे ही आप सब भी घर पर बना सकते हैं, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। खास करके लूजिंग ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप ये सब कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको इसका फैन चेक करके दिखाते हैं कि मेरा फैन काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हीटिंग वाला दो वायर होगा, पीला कलर का है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। इसमें मेरे डिस्प्ले में ओवर हीटिंग दिख रहा है, ये देखिए ओवर हीट, ये OST दिख रहा है। यहाँ पे मेरा फैन चल रहा है, ये मेरा फैन भी ओके है। ये स्टेबलाइजर जब ज़्यादा हीट हो जाता है तभी इसका फैन चलता है। तो ये मेरा स्टेबलाइजर अब प्रोडक्ट से सही हो गया है। तो ऐसे ही वीडियो हम और लाते रहेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं इसका चार्ज स्लॉट ओपन किया था इसको हम अब टाइट करते हैं। ये मेरा PCB अब टाइट हो चुका है। इसके बाद हम ऊपर का कवर लगाते हैं। इसका स्क्रू टाइट कर दे रहे हैं, स्क्रू शॉर्ट में ही मैं इसका कर रहा हूँ। ये मेरा स्क्रू सभी टाइट हो चुके हैं। तो आइए हम एक बार फिर चेक करके दिखाते हैं आपको। ये मेरा
इनपुट 166 वोल्ट दिख रहा है, मतलब मेरा लाइट भी बहुत स्लो है। और यहाँ पे मेरा 210 वोल्ट मुझे दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे डिस्प्ले में क्या दिख रहा है, ये आउटपुट 200 वोल्ट दिख रहा है। मेरा स्टेबलाइजर ये ओके हो चुका है। लास्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।